This is the most important principle of belief system, ladies and gentlemen. Rain will fill the size of. बाहर बहुत बरसात हो रहा है, बहुत बारिश हो रहा है, धुआंधार बारिश हो रहा है. आपके हाथ में मग है, मग लेकर जाएंगे तो क्या भर के लौटेंगे वापस? बकेट लेके जाएंगे तो क्या भर के लौटेंगे? अगर स्पून लेके जाएंगे तो क्या भर के लौटेंगे? सवाल रेन का नहीं है, सवाल उस पात्र का है जो आपके हाथ में है, जिसको आप भरना चाहते हैं. तो ये थॉट प्रोसेस है कि आपको चाहिए क्या इस जिंदगी में. और मेरा ये कहना है कि जिंदगी देती नहीं है, हमेशा लौटाती है. वो उसी अनुपात में रिवर्ट करती है जो आपने उसको कभी ना कभी. रेन विल फिल द साइज ऑफ वेसल यू हैव, लेडीज एंड जेंटलमैन. तो सब मुझसे पूछते हैं कि बिलीव सिस्टम से होता क्या है. बिलीव सिस्टम की एक औलाद है. बिलीव सिस्टम से एक बच्चा पैदा होता है. उस बच्चे का नाम है एटीट्यूड. कम ऑन, क्या नाम है? जब आपको बिलीव होता है ना कि यस आई विल डू इट, मैं ये कर जाऊंगा, साला आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है. आपका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है, आपकी टोन चेंज हो जाती है, इवन आपका हैंड शेक करने का पैटर्न चेंज हो जाता है. आप मिलिए लोगों से, इर्द गिर्द में लोगों से मिलिए जो डिमोटिवेटेड है, जो ढीले ढाले हैं, जिंदगी में कुछ टारगेट गोल सेटिंग नहीं है. आप उनसे हाथ मिलाइए, वो हाथ मिलाएंगे नहीं, वो हाथ दे देंगे. आप ही मिला लो, बोले उनसे नाम पूछिए, क्या नाम है? सुमित. अरे बाप ने इतनी मोहब्बत से रखा है भाई, कॉन्फिडेंस नहीं. गाइस, बिलीव सिस्टम का एक औलाद है जिसको बोलते हैं एटीट्यूड. हमारा बिलीव सिस्टम सेट हुआ 99-2000 के अंदर. हमारे पड़ोस में एक अंकल थे, वो चलाते थे मर्सिडीज बेंज. तो अपने को ये लगता था कि जब ये अंकल जी मर्सिडीज चला सकते हैं तो हम भी कम ऑन चला सकते हैं. तो मेरे पापा ने बोला ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनके पास बहुत पैसे हैं. तो मैंने बोला ये माँ के पेट से थोड़ी लाए थे, ये भी तो यही मार्केट में ग्रो हुए. अगर ये कर सकते हैं तो पापा. और धीरे 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 करते हुए एम्पायर खड़े होकर एक चीज बना लिया. एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एक एग्जाम्पल देता हूँ. आप में से कितने लोगों ने जंगल सफारी किया है कभी? एवरीबडी मस्ट. सबसे तेज कौन सा जानवर दौड़ता है जंगल में? श्योर. सबसे ऊंचा जानवर कौन सा होता है? कमॉन, जिराफ. सबसे भारी जानवर कौन सा होता है? कमॉन, एलिफेंट. और क्लेवर जानवर कौन सा होता है? आर यू श्योर? सबसे क्लेवर फॉक्स, सबसे तेज चीता, सबसे ऊंचा जिराफ और सबसे भारी एलिफेंट, हिप्पोपोटामस, कुछ भी आप बोल सकते हैं. अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है, इन चारों में से जंगल का राजा कौन सा होता है? मैंने इन चारों में से पूछा. यानी राजा होने के लिए कोई क्वालिटी लगती नहीं है ना. इफ यू वांट टू बिकम अ किंग ऑफ द किंगडम यू डोंट नीड एनी. इसीलिए मैं कहता हूं कि स्कूल में 90% बातें जो पढ़ाई जाती हैं वो जिंदगी में काम नहीं आती, और जिंदगी में जो 90% बातें काम आती हैं वो स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती. क्या चीज चाहिए होता है जानते हैं? एटीट्यूड. तो शेर से किसी ने पूछा कि महाराज जंगल के राजे आप क्यों हैं? ना तो आप सबसे फुर्तीला हैं, ना सबसे ऊंचे, ना सबसे भारी, ना सबसे क्लेवर. ऐसा कोई क्वालिटी आपके अंदर तो देखने में एक बड़ी बिल्ली है बस. इफ यू सीक easily तो आपको लगेगा एक बड़ी बिल्ली है, that's it. लेकिन साला सबकी फाड़ रखी है आपने. बोले हाँ क्यों है आप जंगल का राजा? उसने बोला कान लाओ तो बताता हूँ. तो कान लेके आया. उसने बोला मैं जंगल का राजा इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जंगल का राजा हूँ. Because I believe I am the king of the. अच्छा आप अंदाजा लगाइए, देखिए कुदरत कितना कुछ सिखाती है. आप सोचिए, आंख बंद करके सोचिए, साला हाथी डरता है शेर से. हाथी का साइज देखो आप, हाथी की ताकत तो देखो. अगर हाथी अपना पैर शेर पे रख दे, ये उठ पाएंगे बाबूजी? सोचिए आप एक मिनट के लिए, क्या उठ पाएगा? अगर वो अपनी सूंड में लपेट के फेंके तो महाराज 20 फीट दूर जाके गिरेंगे. इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हेलो. बावजूद इसके शेर रूल कर रहा है. एलिफेंट ने लॉयन को देखा, जंगल में क्रॉसिंग हुई और लॉयन ने एलिफेंट को देखा, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया. दोनों ने देखा एक दूसरे को. तो जैसे ही एलिफेंट ने लॉयन को देखा, एलिफेंट के दिमाग में एक थॉट आया. पूछे क्या? ईटर, ये साला मुझे अब खाएगा. डिफेंसिव मोड में चला गया. और लॉयन ने जैसे एलिफेंट को देखा, इसके दिमाग में भी एक थॉट आया, छोटी बिल्ली है देखो, लंच आज निपटा देंगे अपन. आप कल्पना करिए उसके थॉट प्रोसेस के बारे में. वो इतना सा जानवर
वो इतना बड़ा जानवर, वो इतना बड़ा जानवर डिफेंसिव मोड पे जा रहा है, वो इतना छोटा सा जानवर अटैकिंग मोड पे जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड लेडीज, जस्ट बिकॉज ऑफ द बिलीव सिस्टम कि मैं जीत सकता हूं, मैं राजा हूं, ये राजा वाजा। इट्स ऑल अबाउट द थॉट प्रोसेस। आर यू गेटिंग मी? कम ऑन, आर यू गेटिंग मी? से लाउड एंड क्लियर, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। तो सारा का सारा खेल किस चीज का है जानते हैं? बिलीव सिस्टम का। बिलीव सिस्टम की एक औलाद है, उसका नाम है एटीट्यूड।